आज मैं आपको इस प्रकार का जो कूलर का रेगुलेटर होता है इसकी वायरिंग में आपको कूलर की जो मेन मोटर है उसके साथ डायग्राम के द्वारा बताने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके जो कनेक्शन है वो आप इस रेगुलेटर स्विच के साथ आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि सबसे पहले आपके पास जो मेन मोटर है उसके अंदर चार वायर रहते हैं। चार वैसे जो तीन वायर होते हैं वो यहाँ पे स्पीड के होते हैं। जो सबसे यहाँ पे कम स्पीड का वायर होता है वो लाल कलर का होता है, मीडियम स्पीड का जो वायर होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, और हाई स्पीड का जो वायर होता है वो काले कलर का होता है। तो यहाँ पे जो स्विच है, स्विच पे जहाँ पे एक नंबर लिखा है वहाँ पर आपको लाल लगाना है, दो नंबर लिखा है वहाँ पर आपको सफ़ेद लगाना है, और तीन नंबर लिखा है वहाँ पर आपको काला वायर लगाना है जो कि सबसे हाई स्पीड का होता है। तो यहाँ पे यदि आपने इसके कनेक्शन कर लिए तो अब यहाँ पे आपके पास जो सप्लाई वायर का जो लाल वायर है उसको यहाँ पे स्विच पर जहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे L लिखा है उसके साथ लगा लेना है, और L के साथ लगाने के बाद अब यहाँ पे आपके पास जो काला वायर है, काले वायर को आपको ये जो मेन मोटर है उसका जो ब्लू वायर है उसके साथ आपको ऐसे लगा लेना है, जिससे कि इस स्विच के साथ आपकी जो कूलर की मेन मोटर है उसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।